करने वालों को अनिरुद्ध करेंगे। नेशनल हाईवे पर ऐसे हजारों ट्रक देखे जा सकते हैं जिन पर हाईवे माफिया का कोड वर्ड छपा होता है। ऐसे कोड वर्ड वाले ट्रकों की हाईवे पर कोई छानबीन नहीं होती। नेशनल हाईवे पर यह गैरकानूनी धंधा खुलेआम चल रहा है। तहकीकात के दौरान हमने एक ऐसे ही बड़े हाईवे माफिया को बेनकाब किया। एक ऐसा माफिया जो पिछले कई साल से नेशनल हाईवे पर कोड वर्ड और कूपन के जरिए करोड़ों के धंधे में लगा है। अपनी तहकीकात के दौरान हमने देखा कि चेक पोस्ट पर कई ट्रक बेरोक टोक गुजर रहे हैं। हम इसकी वजह जानना चाहते थे। जवाब हमें मिला ट्रकों पर लिखे कोड वर्ड। ट्रकों पर लिखे ऐसे कोड पर आपने शायद ही कभी गौर किया हो। ये हाईवे माफिया के ऐसे कोड वर्ड हैं जो खास ट्रकों की बॉडी पर ही लिखे जाते हैं। गाड़ियों पर लिखा ये कोड अक्सर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम का शॉर्ट फॉर्म होता है। ट्रांसपोर्टरों को दिए गए कूपन पर भी यही कोड लिखा होता है ताकि चेक पोस्ट पर इन ट्रकों की पहचान हो सके। साथ ही कूपन पर तारीख भी लिखी होती है जिससे पता चल सके कि इन कूपनों की वैलिडिटी यानी आखिरी तारीख कब तक है। ये गाड़ी के ऊपर SRC का बोर्ड लगा होगा, गाड़ी के ऊपर में भी SRC लिखा होगा और प्लस उसके बाद में महीना डाला होगा कि कौन से महीने का कार्ड है, वो महीने की सील लगी होगी, स्टैंप लगी होगी। इससे ये वो पता लग जाता है कि ये इस महीने का कार्ड। गाड़ी वालों से RTO चेक पोस्ट पर महीने भर की रिश्वत एक ही बार में ले ली जाती है। इस रिश्वत के बदले ट्रांसपोर्टरों को मिलता है एक कूपन जिस पर कंपनी के कोड के साथ तारीख भी लिखी होती है ताकि RTO चेक नाकों पर इन ट्रकों को पहचानने में कोई मुश्किल न हो। एक महीने का कार्ड दे दिया जाता है गाड़ी वाले को, एक महीने में आपको ये कार्ड चलेगा, एक महीने बाद ये कार्ड खत्म हो जाएगा, एक महीने बाद दूसरा कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। ये भी कोई सरकारी कार्ड नहीं है, ये अवैध कार्ड है। गाड़ी को कार्ड दिया जाता है जब ये नंबर डाला जाता है, पहले नंबर नहीं डाला होता है कार्ड पे। गाड़ी वाला पैसा देगा उसके बाद में ये नंबर डाला जाता है। हाईवे पर सरेआम चल रही इस घूसखोरी में कई बड़े माफिया भी शामिल हैं जो ट्रांसपोर्टरों को कूपन और कोड बेचने के धंधे में लगे हैं। ऐसे माफिया और दलाल हाईवे के किनारे बने होटलों और ढाबों से अपना कारोबार चलाते हैं। RTO चेक नाकों पर तैनात कर्मचारी और पुलिस वालों की मदद से ट्रक मालिकों को कूपनों की बिक्री की जाती है। अवैध वसूली से हर महीने लाखों की कमाई होती है जिसमें सबका बराबर का हिस्सा होता है। हम ऐसे ही माफिया की तलाश में थे। तहकीकात के दौरान हम पहुंचे एक ऐसे माफिया के पास जिसका ठिकाना है मध्य प्रदेश का मुरैना जिला। नाम है महेश अग्रवाल। ये नेशनल हाईवे पर वसूली का धंधा करने वाला ऐसा माफिया है जिसका सैकड़ों मील लंबे हाईवे पर सिक्का चलता है। इसने मथुरा से लेकर दिल्ली तक कई RTO कर्मचारियों और अफसरों से सांठ गांठ कर रखी है। इसके धंधे का अपना कायदा कानून है। एक दो मुलाकातों के बाद महेश अग्रवाल ने हमारे सामने खुद ये राज खोला कि मुरैना से लेकर दिल्ली तक कैसे फैला है उसके अवैध धंधे का जाल। महेश अग्रवाल ने हमें खुद बताया कि आगरा मथुरा से लेकर दिल्ली तक के RTO कर्मचारी उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं। इसने अपना हेड ऑफिस तो मुरैना में बना रखा है लेकिन इसका नेटवर्क देश के कई हिस्सों में फैला है। ये मुरैना के अलावा दिल्ली तक के चेक पोस्ट पर ट्रक पार कराने का ठेका लेता है। ये अवैध कूपन तो बेचता ही है, साथ ही ट्रकों को नाके से पार कराने के लिए महीने की मोटी रकम भी वसूलता है। यहाँ तक के हाईवे माफिया महेश अग्रवाल ट्रांसपोर्टरों के घर अपना आदमी भेजकर पैसे की वसूली करता है। पैसे तो आप बताओ, आप कुछ कंडीशन में देना चाहते हैं? हमारा तो सिस्टम ये है कि 10 तारीख तक क्लियर हो जाए। एक से 10 तक हमारे साथ तीन बार आप ज्यादा कोई बात नहीं तो लास्ट 15 तक पैसे का बाहर चक्कर कौन दिल्ली में आपसे ले लेंगे।
हमारे अकाउंट उसमें आप डाल दो, नहीं हमारा आदमी दिल्ली में उसको आप दे दो, अपने आप जाके ले आएगा। चलिए हमारी दलाल महेश अग्रवाल ने एक गाड़ी को मुरैना, मथुरा और आगरा के आरटीओ चेक पोस्ट से पार कराने के बदले हमसे भी 2400 रुपए मांगे। महेश अग्रवाल हाईवे पर अवैध कमाई का धंधा सरकारी सिस्टम की तरह चलाता है। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के रेट फिक्स हैं। धंधे का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि इसके लिए कई सरकारी मुलाजिम भी काम करते हैं। आप अगर जा रहे हो तो जो दूसरा आएगा आप उसको सारे सिस्टम बता के जाएंगे। अब कई मतलब आपको सब जगह जाना, जहाँ भ्रष्टाचारी है वो सब एक दूसरे को सब कुछ बता के जाता है कि ये इस तरह का सिस्टम चलता है, यहाँ से ये आता है, हमारे पास से वहाँ जाता है। हम तो सन से ये काम कर रहे हैं, आज तक कोई तकलीफ नहीं। महेश अग्रवाल ने खुद बताया कि वह पिछले 25 साल से नेशनल हाईवे पर अवैध वसूली का धंधा कर रहा है। तो क्या महेश अग्रवाल जैसे लोगों के धंधे से सरकार अब तक बेखबर है? क्या नेशनल हाईवे पर अवैध वसूली में बड़े अफसर और ऊंची पहुंच वाले लोग भी शामिल हैं? हमारी तहकीकात जारी रहेगी और ब्रेक के बाद हम करेंगे कुछ और चेहरे बेनकाब।